नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नोबल अकेडमी नरवाना के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जो अभी इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था वो हम तक पहुंचा है और उसको एक बार हम सॉल्यूशन करने के लिए उसके लिए आपके साथ तैयार हैं। तो आइए एक बार इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था उसके सॉल्यूशन के लिए हम रेडी हैं। तो सबसे पहले हम जीएस के क्वेश्चन को हम इसमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें शब्द लिखा है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या है? एंथ्रेसाइट के बारे में नीचे डिस्क्राइब पूछ कर रखा है ऑप्शंस के अंदर। निम्न कोटि वाला भूरा कोयला होता है, मुलायम नमी की उच्च मात्रा वाले कोयले का स्वरूप है, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है, वाणिज्य प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला होता है। तो हम ये कह सकते हैं एंथ्रेसाइट जो है यहां पर सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है, ये हाईएस्ट क्वालिटी होती है और ये चमकीला होता है। अगर इसको हाथ में लेते हैं तो इसे हाथ काले नहीं पड़ते हैं, तो ये आपका एंथ्रेसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है वो स्टैटिक जीके से दिया है, अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय में सहायता करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? मतलब ये कह रहा है कि जैसे पुलिस का विशेषता काम होता है कि देश के आंतरिक सुरक्षा या अंदर रहकर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम रहता है, लेकिन कहते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यानी कि सीमा के पार अगर कोई समन्वय सहयोग करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है तो कौन सा आपका संगठन इसमें हमारा साथ देगा? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है नाटो का, नाटो जिसको हम नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा इंटरपोल दिया है और पोलक्राई दिया है और सेफ्टीकॉम दिया है। देखिए जो नाटो है वो नाटो संगठन जो है वो एक 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 प्रकार का ऐसा संगठन है जी, एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर है। और नाटो संगठन की स्थापना करने वाले जो देश का नाम है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नाटो का सीधा सा मतलब ये है कि अगर नाटो का सदस्य देश के ऊपर कोई देश हमला करता है तो सभी सदस्य देश मिलकर उस देश को सैन्य सहायता करते हैं। और ये अभी जो यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा था वो नाटो की सदस्यता पाने के कारण ही वॉर चल रहा था। जो इंटरपोल है इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? इंटरपोल होगा। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के अंदर है, फ्रांस के लियोन शहर के अंदर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इंटरपोल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है यहां पर जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया महारत्न नवरत्न और लघु रत्न यानी कि मिनी रत्न भारत में किसके वर्गीकरण है? महारत्न नवरत्न एंड द मिनी रत्न आर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लैंक इन इंडिया। तो ये पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर की जो ये यूनिट है और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इनको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो दिया गया है, चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो रामायण है, रामायण जो महाकाव्य है उसमें सीता जो उसमें जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, उनके जन्म स्थान पर किस कला विधि का नाम पड़ा है? उनके जन्म स्थान के ऊपर ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिथिला। मिथिला या जनकपुरी जो है इसका सही आंसर होगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है आपका वो आपका एंशियंट हिस्ट्री से दिया गया है, प्राचीन भारत के इतिहास से दिया गया है। और पांचवें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया था। ये त्रिपिटक नाम आते ही दिमाग में सबसे पहला आपका आंसर होना चाहिए कौन सा? भगवान बुद्ध का। त्रिपिटक में तीन ग्रंथ आते हैं, तीनों ग्रंथ जो है इनकी मृत्यु के बाद, जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनको लिखा गया, इनका संकलन किया गया था। गौतम बुद्ध जिनका जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र के लुम्बिनी ग्राम के आमरकुंज में हुआ था, और इनकी इनको जो इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। खूब सारे तथ्य इनसे संबंधित हैं। त्रिपिटक जो है इसका सीधा संबंध किससे? भगवान बुद्ध से है, भगवान महावीर से नहीं है, कबीर से नहीं है, शंकराचार्य से नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस से दिया गया है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा जाता है? यानी अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। व्हाट इज अ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जो आरक्षित है, आरक्षण जिसको लेके सबसे ज्यादा डिस्प्यूट जो है वो बना रहता है। अच्छा देखिए यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें मतदाता सूची में केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्यों का नाम हो। मतदाता सूची में भारत के सभी नागरिकों का नाम होता है, किसी विशेष श्रेणी का नहीं होता है, क्योंकि सभी के पास जो है मतदान का अधिकार है, और मतदान का अधिकार
है तो किसी विशेष श्रेणी का इसमें नहीं होगा, तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा। दूसरा बताया गया है, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले का दावा करने वाले राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि राजनीतिक दल जो होता है वो, ये तो ठीक है कि किसी एक आरक्षित श्रेणी का वो प्रतिनिधि करते हैं, तो वो नहीं कि भाई वहां से केवल उसी को हम बोलांगे कि भाई वो निर्वाचन क्षेत्र जो आरक्षित है। जैसे हम सपोज करें कुमारी मायावती जो है उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में वो मानते हैं कि हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो मानते हैं कि हम यहाँ पर आरक्षित श्रेणी का प्रतिनिधि करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां से सिर्फ वही चुनाव लड़ सकेंगे, उसे हम आरक्षित क्षेत्र नहीं मानेंगे। ये भी आंसर क्या होगा, गलत होगा। तीसरा, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ये इसका बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। चौथा देख लेते हैं, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन करते हुए चुनाव करवाए जाते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव आदि में प्रयोग किए जाने वाला सिद्धांत है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा जो आपकी लोकसभा है, लोकसभा में भी 131 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। अच्छा, जैसे आप हरियाणा से संबंधित हैं, हरियाणा की विधानसभा जो है, हरियाणा की विधानसभा में 17 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा के अंदर जैसे लोकसभा है, लोकसभा की सीटें जो हैं 10 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें जो हैं वो आरक्षित सीटें हैं। ये इस प्रकार की सीटों की बात इन्होंने कर रखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी पॉलिटिकल साइंस से है, आपने पढ़ रखा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है कि इमरजेंसी की उद्घोषणा, आपातकाल की उद्घोषणा आर्टिकल 352, मतलब कहने का ये है, मतलब यहां पर ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। और इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, नेशनल इमरजेंसी, तो फंडामेंटल राइट्स में से किसी फंडामेंटल राइट्स को जो है कभी भी उसको परिवर्तित या उसको निलंबित नहीं किया जाता, ऐसा कौन सा है। ये क्वेश्चन 2-3 प्रकार से आता है कि किस फंडामेंटल राइट्स को सबसे पहले निलंबित किया जाता है, या किस फंडामेंटल राइट्स को सबसे पहले या कभी भी निलंबित नहीं किया जाता। तो हम कह सकते हैं जैसे वाक की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19 में है, इसको सबसे पहले निलंबित किया जाता है। समता का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर जो आपका 14 है, आर्टिकल नंबर 14 और उससे लेके 15, 16, 17, 18, ये सारे समता के अधिकार हैं। जैसे आर्टिकल 14 में जो है विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 है धर्म जाति लिंग जन्म स्थान वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 के अंदर बताया गया है लोक नियोजन के अवसर में समानता, 17 जो है उसमें बताया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन, और ये सारे 18 जो है उसमें उपाधियों का अंत, ये सारे के सारे समता के अधिकार हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक है, और दैहिक स्वतंत्रता जो है, दैहिक स्वतंत्रता जो है ये ऐसा है, जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो या कोई भी इमरजेंसी हो, वो जीवन जीने का अधिकार आपका छीना नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चौथा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू पर्सनल लिबर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की विषय वस्तु थीम क्या है। देखिए यहां पर बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, थीम से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, और इस बार की जो थीम है 2022 की, तो उस थीम के बारे में क्वेश्चन डाला गया है कि कौन सी इनकी थीम रही है 2022 की विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको 5 जून को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा, अंतर का ध्यान रखें, न किसी को और न ही कोई स्थान पीछे छोड़ें, यानी कि माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका फिल्म फेयर अवार्ड से लिया गया है, और फिल्म फेयर अवार्ड से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म हितेशी राज्य का पुरस्कार जीता है, यानी कि जो फिल्म का हितेशी राज्य है, मतलब जो फिल्मों के फेवर में रहता है, तो वो जो अभी पुरस्कार जीता है वो किसने जीता, मध्य प्रदेश ने। तो आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा, मध्य
प्रदेश, ये आपका जो जीके या जीएस का सोल्यूशन था, और इसके बाद आपका रीजनिंग या इसके बाद आपका मैथ का सोल्यूशन होगा। तो तब तक जुड़े रहे, मैथ और रीजनिंग की जो आपकी और इंग्लिश की जो आपकी बाकी विषयों की जो आपकी वीडियोज है बहुत जल्द ही आपकी अपलोड कर दी जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और धन्यवाद।